अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ये है मेरी पहली वीडियो जिसमें मैं ऑडियो वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो हमें पिक्चर का अब देखते हैं। सबसे पहले जो पिक्चर हमें सबसे खूबसूरत लगेगी जो इसकी होती है ब्राइटनेस, हाईलाइट, सब कुछ वो होते हैं। देखें यहाँ हमें एक सबसे ज़्यादा ये मिल रहा है, देखें तो सितारे का ऑप्शन मिल रहा है सूरज जैसा। तो हमें देखें, अब सबसे पहले हमें करना होगा कंट्रास्ट, हाईलाइट, शेडो, मतलब पिक्चर के हिसाब से सब कुछ करना है। अब देख लेते हैं पिक्चर को। कंट्रास्ट जरा सा ज्यादा करना है हमें, हाईलाइट भी रहने देते हैं, अब शेडोज को जरा सा कम कर देते हैं और वाइट्स को थोड़ा सा ज्यादा कर देते हैं, ब्राइट को थोड़ा सा कम कर देते हैं। जी थोड़ा सा फर्क आया तो हम चले जाएंगे यहाँ कलर्स में। कलर्स के बाद टेम्प पे चले जाएंगे, टेम्प को हम थोड़ा सा कम कर देंगे, ज़्यादा नहीं है तो ज़्यादा हो गया थोड़ा सा ज़्यादा। तो हमें 4 चाहिए तकरीबन, 4 या 6 जी, तो हमें 4 बहुत 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 ज़्यादा। जो वाइब्रेंस है इसकी थोड़ी सी हम ज़्यादा कर देंगे, सिचुएशन को भी देख लेते हैं। अब देखिए हमें, हम चले जाएंगे कलर्स पे, कलर ट्वेंट पे चले जाएंगे। इसकी जो सिचुएशन होगी इसकी थोड़ा कम कर देंगे, जो हमें अपना जो फेस कलर है इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे, और ज़्यादा हो गया था तो थोड़ा कम कर देते हैं। जो हमें येलो टोन में आ जाएंगे, ये टोन येलो में आने के बाद हम ज़रा बिल्कुल बहुत कम कर देंगे, बहुत ज़्यादा, तो सिचुएशन को ज़्यादा कर देंगे और ह्यूमन्स को भी थोड़ा ज़्यादा कर देंगे। तो अब ग्रीन पे आ जाए, ग्रीन को कम कर देंगे हम बिल्कुल, ह्यू को उसकी कम कर देंगे। उसके बाद सिचुएशन को ज़्यादा कर देंगे और ह्यूमन्स को भी थोड़ा ज़्यादा कर देंगे। हमें बस अब जो चाहिए वो होगा हमारा पेंट का कलर, पेंट का। तो पेंट अब उसे थोड़ा हाईलाइट ज़्यादा कर देते हैं, क्योंकि वो जो हमारा होगा वो थोड़ा सा खूबसूरत लगेगा, क्योंकि हमारा कलर है ये वाला, तो हम इसे थोड़ा कम करेंगे। देखें बड़ा कि प्यारी शेड में आ रहा है। उसके बाद सिचुएशन को थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं, तो बस ये हमारी पिक्चर हो गई तैयार। अगर कुछ और कुछ नहीं तो देखें बहुत फर्क है, बहुत ज़्यादा। तो हम जाते हैं स्पेयर टोन में, इसकी थोड़ी क्लैरिटी थोड़ी सी ज़्यादा कर देंगे हम। उसके बाद हम स्पेयर टोन में चले जाएंगे, इसको हम थोड़ी सी येलो टोन दे देंगे। ये या आपको बेहतर लगे और पिक्चर को हम जाके सेव कर देंगे। ये जो हमने पिक्चर को फिर एक बार और फिर से दोबारा ऐड कर लिया यहाँ लाइव सिस्टम में, देखें पहले से बहुत मुख्तलिफ। यहाँ दोबारा से फिर हम कलर्स में जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट में जाएंगे, उसके बाद हम और किसी को नहीं छेड़ेंगे, जस्ट येलो टोन को इसकी ह्यू थोड़ी बहुत कम कर देंगे। देखें बैकग्राउंड हमें ऐसा चाहिए, देखें सैचुरेशन थोड़ी सी ज़्यादा कर देंगे, और ग्रीन पे आ जाएंगे, ग्रीन टू बिल्कुल लो कर देंगे दोबारा से यहाँ जी। बस हमें यही यही यहाँ लाइट रूम से सिर्फ हमें यही चाहिए, उसके बाद हम पिक्चर को सेव कर देंगे जी। तो हम एक बार फिर से हम आ गए हैं, अब हमने ओपन किया है पिक्स आर्ट, पिक्स आर्ट हमने ओपन किया। उसके बाद हमने कुछ नहीं करना है इस पर, कुछ भी कलर्स वगैरह कुछ भी एडजस्टमेंट कुछ नहीं करनी है, बस हमने अपने वो जो पीछे से विंग्स हैं जस्ट वही लगाने हैं। हम यहाँ अपनी जो डाउनलोड हमने जो फाइल डाउनलोड की हुई है वहाँ जाएंगे। उसके बाद देखिए हमने ठीक ही ये हम दो बार कर लेंगे, एक बार नहीं जस्ट दो बार। उसके बाद हम इसी तरह साइड पे रख देते हैं और इसको थोड़ा रखते हैं, इसको पहले हम क्रॉप कर लेते हैं सिर्फ एक विंग को, एक सिर्फ विंग को हमने चूज करना है। यहाँ आ गए, उसके बाद हमने थोड़ा सा एडजस्ट करना है जी। यहाँ हम देखें जगह देखते हैं किस किस जगह पे है हमारा ये जो विंग है हमारा, इस किस जगह एडजस्ट हो रहा है सही से हो रहा है। तो हम यहाँ चले जाते हैं, इसको जो ओवर है इसे हम ज़रा इरेज कर लेते हैं, इधर बैग जाते हैं। इसकी थोड़ी हाईलाइट है, इसकी थोड़ी कैपेसिटी है, इसको थोड़ा कम कर देते हैं, हमें फिर इरेज करने में आसानी होगी। इसकी थोड़ी सी हार्डनेस थोड़ी ज़्यादा कर देते हैं, तो आप करते हैं आराम आराम से कीजिएगा, कोई जल्दी नहीं होगी, कोई कुछ नहीं है, बस आराम आराम से बेहतर तौर पर। तो हमारा ये है तो साइज़ बड़ा कर लेते हैं, तो पूरा तरीके से हमारा ये तैयार हो गया, इसे कम कर देते हैं। अब इस पर आते हैं, अब जो हमारा दूसरा पार्ट है हम इसको जरा क्रॉप कर लेते हैं। और जो पैसे से हमारा पहले था करना है थोड़ा कर लेते हैं,
इसकी थोड़ी ओपेसिटी कम कर देते हैं, तो हमारे इसे चाहिए सिर्फ वो रखते हैं, उसके अलावा जो है वो ठीक कर देते हैं। चढ़ाने ज़्यादा कर देते हैं इसलिए आपको पता है कहाँ ये हमारा हो गया तैयार। इसे थोड़ी शेप ज़्यादा कर देते हैं, ये भी कैसे कर सकेगी बड़ी प्यारा और बड़ा खूबसूरत तरीके से हमारे तैयार हो गया। तो अब इसको थोड़ा सा बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर वहाँ से नहीं देना है, ड्रॉ में जाके देना है जी, ड्रॉ से देना है। अब हम यहाँ पे चले जाते हैं, ठीक हो गया हमारा और कलर ठीक है, ब्लैक ठीक है, इसे थोड़ा सा कलर का साइज़ ज़रा ठीक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ जाना है, इस स्क्वायर को हमने वो करना है, इसकी साइज़ ज़रा सा जिस अपने मुनासिब जिस तरह आपको पसंद हो उस तरह कर लें। उसके बाद हम जी ऐसे इस स्टैंप को जिस तरह आपको अच्छा लगे, फिर यहाँ आप जाके इसे ट्राई कर दें। अब हमें जो अपना टेक्स्ट लिखते हैं वो हम टेक्स्ट लिखेंगे अब इस पर, सॉरी मैं ज़्यादा नहीं चला गया था। टेक्स्ट पे आ जाते हैं, टेक्स्ट पे आने के बाद हमें आज जो हमें टेक्स्ट लिखते हैं अपना ऐड करना है उस पर लिख देंगे। हम लिखते हैं जी बंदा तो बड़ा प्यारा है, हम इस पर लिखते हैं हैंडसम, हैंडसम जी। इसका हम अब फॉन्ट चूज़ करते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं क्योंकि पिक्चर के हिसाब से हमें जो लिखना है वो लिख। उसके बाद हम इसका जो होगा वो तो चूज़ कर देते हैं, फॉन्ट चूज़ करते हैं, फॉन्ट हमें ये हमारे लेकिन इसका हम कलर ब्लैक कर देते हैं और शेडोज़ नहीं, शेडोज़ नहीं हम कर कुछ भी नहीं और मज़ीद कुछ भी नहीं करेंगे, उसी पे जो अपना होगा नेम का वो ज़रा यहाँ लगा देते हैं। मैंने शायद कॉपी किया हो, देख लेता हूँ जी, ये मेरे पास कॉपी हुआ पड़ा है, देखें आप मेरी वैसे फोटोग्राफी का ये जो मेरा लोगो है तो मैं इसे ज़रा लगा देता हूँ। जो फ्रंट होगा वो मैं आपको ये देख लें, तो इसी के मतलब जो हमें मुनासिब लगे हमारा जो जिस तरह का एक प्रोफेशनल तरीके से आने लगे थे भी कलर हम ब्लैक कर देते हैं, ब्लैक हो गया लेकिन अभी म्यूजिक भी ज़्यादा हो रहा है और छोटा कर देते हैं। अब ये बहुत प्यारा लगा, ये हमारी फ़ोटो हो गई जी तैयार, बहुत प्यारी। अब जाएंगे हम ड्रॉ में जाने के बाद सबसे मेन जो पिक्चर का एक होता है वो होता है इसका साइज, साइज़ हमें एडजस्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा हमारे साइज का होता है, साइज हमें ठीक चाहिए। तो हाँ जी हम जाएंगे यहाँ इरेज में, इरेज की जो देखते हैं हम ये वाला फोन यूज करेंगे, तो साइज़ को हम ज़ीरो कर देंगे, मीन के एक एक पी एस पे कर देंगे। तो हम ज़रा इसको कोने से एक थोड़ा सा इरेज करेंगे और उसके बाद हम अपनी पिक्चर को सेव करेंगे। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, बुरी लगी तो डिसलाइक कर दें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।